नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है खजरपुर में। आपको बता दूं कि आज कर्नाटका विधानसभा चुनाव का नतीजे आ चुके हैं और जिस तरीके से जो नतीजे आए कांग्रेस को जिस तरीके से वहां बहुमत दिख रही है और उसी सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से एक विक्ट्री रैली निकाली गई है खजरपुर मोड़ पर आकिब गुलजार के नेतृत्व में। और ये देख सकते हैं रैली है बेहतरीन शानदार जीत, क्या कहना चाहेंगे कर्नाटका के इलेक्शन, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में एक संवैधानिक पद में रहने के बावजूद भी बजरंग बली को लेकर के आया चुनावी मुद्दा में, लेकिन हमारे साथ में भी बहुत सारे हिंदू भाई रहते हैं। हम लोग मस्जिद में इबादत करते हैं, वो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन मस्जिद का इबादत और मंदिर का पूजा को राजनीति से ना जोड़ा जाए। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी बजरंग बली को सामने रख के चुनाव लड़ा, लेकिन बजरंग बली ने, ये पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव कर्नाटका में जीता है, वो भी अकेले अपने दम पर। बहुत सारा स्टेट है, आपको पता है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से बोले थे कि हिंदुस्तान में नफरत के खिलाफ में हम मोहब्बत का दुकान खोले हैं, तो मोहब्बत का दुकान पहला खुला है कर्नाटका से। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में निकाय का चुनाव हुआ, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीता, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों का सरकार हुआ। जो लोग कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है, उनको क्या मैसेज रहा इस? देखिए, वहां पर प्रधानमंत्री को इतना सारा रैली करना पड़ा, देश का पूरा कैबिनेट कर्नाटक में उतरा हुआ था, उसके बावजूद भी वहां पर हमारे नेता डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो वहां पर मेहनत करके सरकार लाए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और आने वाले दिन में ये जो राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान है, भारत जोड़ो यात्रा से जो वो हिंदुस्तान को मैसेज दिए थे, आने वाले दिन में धर्म और भाषा से हट करके सभी धर्म सभी मजहब के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में आएंगे, क्योंकि 70 साल देश को कांग्रेस बनाया है। जब देश में एक सुई भी नहीं बनता था उस वक्त देश आजाद हुआ, और आज अगर देश न्यूक्लियर बना रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी का देन है। और राहुल गांधी का मोहब्बत का मैसेज आज कर्नाटका का आम आदमी धर्म का राजनीति को हटा करके आम आदमी का मुद्दा में हम लोग चुनाव लड़े हैं। बेरोजगारी का मुद्दा था वहां पे, किसान का मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट और सबसे ज्यादा महंगाई, 40% कमीशन का सरकार बन चुका था बोम्बई का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर पूरा कैबिनेट और पूरा बीजेपी ताकत लगाने के बावजूद भी कर्नाटका का आम आवाम 44-45% तक वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है। इसका हम लोग खुशी आज खिदिरपुर मोड़ में हम लोग मना रहे हैं और आम आदमी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो मोहब्बत का मैसेज है वो आप लोग भी घर घर फैलाए, और आने वाले दिन में हर एक स्टेट कर्नाटका का जैसा बनेगा। और आने वाले दिन कर्नाटका इलेक्शन बहुत बड़ा रोड मैप क्लियर करेगा क्या 2024 के लिए? देखिए, 2024 में जिसको प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है देखे, लेकिन राहुल गांधी जी कभी भी नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन आज देश में ये साबित हो रहा है कि 6-7 स्टेट नहीं, आने वाले दिन में 15-16 स्टेट में कांग्रेस का सरकार रहेगा। और ये कर्नाटका मैसेज देगा 2024 को कि 2024 में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई विकल्प है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विरुद्ध में अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है। 36 सीट पर लीड, अभी लेटेस्ट जो डेटा है 136 सीट पर लीड, कितना बड़ा जीत है ये? देखिए, हम लोगों के वहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस के सभापति है डीके शिव कुमार जी, वो चुनाव से पहले बोल दिए थे कि हम लोग 140 सीट जीतेंगे, आज एबीपी न्यूज दिखा रहा है 134 प्लस। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम लोग 140 प्लस होंगे शाम के 5 बजे तक, और पूरा बहुमत वाला सरकार कांग्रेस का कर्नाटका में बैठेगा।
और हम लोगों का सरकार गरीब आदमी और किसान के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और 40% कमीशन खाने वाला सरकार का खिलाफ में आम आदमी का सरकार कर्नाटका में हम लोग देंगे। ये हार किसकी है, नरेंद्र मोदी जी की हुई है या बीजेपी की? देखिए, जब बीजेपी चुनाव जीतता है तो आप न्यूज मीडिया में देखेंगे कि मोदी जी का फोटो लगाते हैं, और जब चुनाव हारने का वक्त आता है तो जेपी नड्डा का फोटो लगा देते हैं। तो ये हार मोदी जी का हार है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए कर्नाटका में जिस तरीके से चुनाव में धर्म का राजनीति किए हैं, एक संवैधानिक पद में बैठने के बाद, ये सब बड़ा हार मोदी और अमित शाह का हुआ है। बीजेपी का भी वर्कर है, टीएमसी का भी वर्कर है, कांग्रेस का भी हम लोग वर्कर है, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हार नेता का होता है। तो आज पूरे देश में राहुल गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, ये मैसेज दी है कि आने वाले दिन में पूरा हिंदुस्तान को रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से आकिब गुलजार और उनके नेतृत्व में कर्नाटका में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जो कांग्रेस की सरकार आ रही है, जीत दर्ज हुई है, उसी का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ फर्दर अपडेट्स के लिए और देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। इसी तरह और भी अलग अलग जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से तमाम न्यूज दिखाते रहेगी द लोकल जर्नलिस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से, कैमरा पर्सन मोशबा खान और फरीन के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।